नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। फुटबॉलर हैरी केन के साथ नजर आए विराट। विराट ने हैरी केन के साथ खेला क्रिकेट। हैरी के गेंदबाजी एक्शन की विराट ने की तारीफ। सोशल मीडिया में वीडियो हुआ वायरल। फुटबॉलर हैरी केन ने विराट को की गेंदबाजी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में टीम इंडिया का अब तक का सफर अच्छा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लिश फुटबॉलर हैरी केन के साथ वक्त बिताया। इस दौरान दोनों ने क्रिकेट भी खेला। कोहली ने जब हैरी केन की गेंदों का सामना किया तब वह उनके बॉलिंग एक्शन से काफी प्रभावित हो गए। कोहली ने केन को कहा कि नॉट बैड, आप क्रिकेट में भी बेहतर हो। विराट और केन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। विश्व कप में मौका मिलने पर खुश हैं कार्तिक। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें विश्व कप में खेलने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था, रन की भूख थी। बांग्लादेश के खिलाफ अपेक्षा के अनुरूप भले ही मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले मैचों में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की ताकत लक्ष्य का पीछा करना रही है। कार्तिक ने साथ ही यह भी कहा कि उन्हें टीम मैनेजमेंट की तरफ से सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करने को कहा गया है। वनडे क्रिकेट को शोएब मलिक ने कहा अलविदा। पाकिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर शोएब मलिक ने विश्व कप में पाकिस्तान के आखिरी मुकाबले के बाद शुक्रवार को वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने 94 रन से बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि इस जीत के बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया। पाकिस्तान के आखिरी विश्व कप मैच में शोएब मलिक प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। मैच के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। उनका वनडे करियर 2 दशक लंबा है। साल 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। मशरफ़ मर्तजा ने शाकिब से मांगी माफ़ी। विश्व कप 2019 में शाकिब अल हसन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। वह एक तरह से अकेले अपनी टीम को जीत पर जीत दिलाते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बाकी साथियों से उतना समर्थन नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। टीम के कप्तान मशरफ़ मुर्तजा ने भी इस बात को माना है और अपने साथी खिलाड़ी से माफ़ी मांगी है। गौरतलब है कि शाकिब ने 8 मैचों की 8 पारियों में 606 रन बनाए। इस विश्व कप में उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक जमाए। शाकिब ने गेंद से भी अच्छा योगदान दिया। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट लिए। वो मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। विश्व कप में अपने प्रदर्शन से निराश है मैथ्यूज। श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने कहा है कि वो आईसीसी विश्व कप 2019 में अपने खुद के प्रदर्शन से बेहद खफा हैं। मैथ्यूज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक 6 मैचों में सिर्फ 131 रन बनाए हैं। मैथ्यूज टीम के बेहद सीनियर खिलाड़ी हैं और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि इस विश्व कप में श्रीलंका का वो मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैथ्यूज से जब INS संवाददाता ने उनके प्रदर्शन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रदर्शन से बेहद निराश हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।